नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व वन मंत्री व गंदवानी विधायक उमंग सिंगार पर दर्ज प्रकरण के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन स्थानीय SDM कुक्सी को सौंपा गया। SDM की अनुपस्थिति में तहसीलदार सुनील डावर द्वारा ज्ञापन लिया गया है। वहीं युवा कांग्रेस उमंग सिंगार पर दर्ज किए गए प्रकरण को उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की साजिश मान रहा है। उमंग सिंगार पर दर्ज किए गए प्रकरण वापस नहीं लिए जाने पर युवा कांग्रेस द्वारा क्रमबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। कि जो माननीय हमारे आदिवासी कट्टा और नेता उमंग सिंगार जी पर जो 306 की FIR दर्ज की गई है, वो उनको फंसाने के लिए दर्ज की गई है। हमारे उमंग सिंगार जी जब वहाँ पर जब फांसी उठाई गई उस टाइम पर गंदवानी में थे आप, अपने क्षेत्र में थे, और मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि इनकी FIR जो झूठी कराई गई है उसको वापस ले, अन्यथा युवक कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन व आंदोलन करे। बेटा है उनकी जो माँ है उमंग सिंगार के पक्ष में बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार का उस केस में कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा माननीय उमंग सिंगार के खिलाफ 306 का झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। हम लोग सभी आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उस प्रकरण को वापस और निरस्त करने की मांग को लेकर आज एक आवेदन दिया है। जबकि उमंग सिंगार जो गंदवानी के विधायक है, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो आदिवासी समाज के लिए और अन्य जो दूसरे भी समाज के लोग हैं उनके लिए हमेशा वो लड़ते हैं। एक बड़े नेता को ख़त्म करने के लिए उनको साजिश के तहत फंसाने के फिराक से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, उन्होंने उनको फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। जल्द ही उन पर जो दर्ज किया गया प्रकरण वापस अगर नहीं लिया जाता है तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाए। धार कुक्सी से फिरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।